So, शायद आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इडियम का क्या मीनिंग हो सकता है यहाँ पर फाइव ऑप्शन है आपको इनमें से बताना है कि ये जो हीट दी इडियम है इसका सही आंसर इसका सही मीनिंग क्या होगा So let's start our discussion. Heat the sack. अब यहाँ पर देखो ये एक बच्चा है ये बच्चा क्या कर रहा है इस सैक को हिट कर रहा है छोटा सा बच्चा है अगर छोटा सा बच्चा किसी सैक को हिट करेगा बहुत जोर जोर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत जोर से मतलब कि बिल्कुल ये शैक जो है ये दब जा रहा है तो कोई बच्चा अगर बहुत जोर जोर से किसी सैक को मतलब यहाँ पर हिंदी में से हम शायद बोरा कहते हैं तो इसे अगर हीट करेगा इतने बड़े मोटे डंडे से तो बच्चा क्या हो जाएगा थक जाएगा एंड बच्चा अगर जब थक जाएगा तो क्या होता है बच्चे थकने के बाद क्या करते हैं सो जाते हैं तो मतलब कि यहाँ पर हीट दी का मतलब होता है टू गो टू बेड यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टू वेकअप अर्ली नहीं होगा टू गो फॉर वॉक एंड वर्कआउट यहाँ पर वर्कआउट आ गया तो शायद आपको लगा होगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन नहीं इसका मतलब होता है टू गो टू बेड एंड टू विजिट एन ओल्ड फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं होगा एंड नन ऑफ दिस भी नहीं क्योंकि हीट सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड अर्ली फॉर एग्जाम्पल दे हैव Already heat the sack as they have to catch an early morning flight कि उनकी जो flight है वो early morning में है एकदम सुबह सुबह है तो वो इसीलिए क्या है चुके हैं बेड पर जा चुके हैं बिकॉज उन्हें सुबह चार बजे या तीन बजे उठना है क्योंकि उनकी जो फ्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग में है सो आई होप आपको इस का यूज़ समझ में आ गया है कि सेंटेंस में इस तरीके से यूज किया जाता है एंड जो मीनिंग है ये होता है टू गो टू बेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होल नाइन यार्ड तो देखिए क्या हो सकता है यहां पर भी एक इमेज दिखाई दे रही है ये जो बच्चा है ये बच्चा पूरा जो रोड है ये रोड से भाग रहा है पूरा होल नाइन यार्ड्स भाग रहा है तो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर सो लेट्स डिस्कस होल नाइन यार्डस अब यहां पर भी है कि आपको दिख रहा है एक पर्सन या एक बच्चा दिख रहा है ये जो बच्चा होता है ना इसको इसके टीचर ने कहा है कि अर्ली मॉर्निंग में वॉक करना जरूरी होता है या वॉक करना चाहिए सो तो ये जो बच्चा है ये होल नाइन यार्ड्स वॉक करता है इसका मतलब एवरीथिंग पॉसिबल और एवेलेबल कि जितना पॉसिबल हो पाए वो उतना भागता है या उतना वॉक करता है उतनी जॉगिंग या रनिंग करता है तो इसका मतलब होता है एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल यहाँ पर फर्स्ट है वेलदी पर्सन बिल्कुल नहीं होगा सेकंड है अ मिस्टीरियस एरिया मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट या और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि जिसे हम इजीली समझ ना पाए या इम्पॉसिबल होता है जो आ, समझने में उसे हम मिस्टीरियस कहते हैं रहस्यमय कहते हैं देन नेक्स्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा शायद इमेज को देख के आपको लगा होगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बिल्कुल नहीं इसका मतलब होता है एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल मतलब ये जो बच्चा है जितना पॉसिबल हो सके उतना ये भागता है मतलब ये कितना होल नाइन यार्ड्स कि जितना अवेलेबल हो जितना पॉसिबल हो उतना हम कोई किसी चीज को कर पाते हैं तो उसे हम कहते हैं होल नाइन यार्ड्स एग्जाम्पल की अगर बात करें क्योंकि कभी कभार जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर क्वेश्चन आते हैं वो सेंटेंस में भी आ जाते हैं कि जो हमारे जो अपकमिंग स्लाइड्स है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इसीलिए मैं सेंटेंस में भी इनके यूज बता रही हूं आपको सो होल नाइन यार्ड्स का अगर एग्जाम्पल ले द माउंटेन ट्रल ट्रल मतलब ट्रैक या रास्ता वॉज A difficult one, but I wanted to go the whole nine yards. ये जो mountain का जो रास्ता था, जो track थी ना वो बहुत ज्यादा कैसी थी डिफिकल्ट थी लेकिन मुझे कैसे जाना था होल नाइन यार्स मतलब जितना पॉसिबल है उतना मैं जितना कर पाऊँ उस माउंटेन को मैं जितना जितना उस माउंटेन पर चढ़ पाऊँ उतना मुझे करना था ओके okay? तो कोई चीज जितनी पॉसिबल है जितनी अवेलेबल है उसे उतना अगर हम कर पाते तो उसे हम कहते हैं होल नाइन यार्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कप ऑफ जो सो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है इमेज से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कप ऑफ जो तो देखिए क्या हो सकता है सो लेट्स डिस्कस कप ऑफ जो और यहाँ पर ये जो किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है लेकिन इसका एक मीनिंग होता है जो मतलब होता है कॉमन मैन एक कॉमन नॉर्मल जो इंसान होता है उसे हम जो कहते हैं तो यहाँ पर दिख ही रहा है ये कप है एंड इस कप में क्या है कॉफी है एंड यहाँ पर भी ये जो रॉ कॉफी हमें दिख रही है तो इसका मतलब होता है कप विथ जो प्रिंटेड ऑन ऐसा कप जिसपे जो लिखा हो बिल्कुल नहीं कप ऑफ कॉफी यस बिल्कुल सही है क्योंकि इमेज से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कप ऑफ जो मतलब होता है, बिल्कुल नहीं देन अल्टे इसका सही आंसर है वो होता है तो कप को हम कहते हैं कॉमन मैन फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम गोइंग टू द आई एम गोइंग टू दॉफी शॉप फॉर अ कप ऑफ जो सो मैं कॉफी शॉप पर जा रही हूं किस लिए फॉर कप ऑफ जो मतलब कॉफी के लिए या कप ऑफ कॉफी के लिए सो आई होप क्लियर है कि कप ऑफ जो मतलब कि क्या होता है कप ऑफ कॉफी एंड ये ईडीएम आप कभी भी नहीं भूलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ डजन सो देखिए क्या हो सकता है अ डजन सो so, बात करें और डाइम और डर्जन टू मेक फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल नहीं एन ईजी टास्क बिल्कुल नहीं वेरी कॉमन बिल्कुल सही है वेरी डेंजरस भी नहीं एंड नन ऑफ दिस भी नहीं सो डाइम एंड डजन का जो मीनिंग होता है ये होता है वेरी कॉमन कि जो चीज़ बहुत ईजीली मिल जाती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है उसे हम कहते हैं और डाइम जैसे कि पर देखिए ये ये दिख रहे हैं आपको तो एक के दो के जो होते होते हैं हैं वो बहुत होते है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कॉमन एंड चीज मिल जाती है और जो बहुत ज्यादा लेस वैल्यू की होती है उसे हम कहते हैं डाइम डजन जैसे कि ये कॉइन्स है ना कॉइन्स क्या होते हैं डाइम अडोजन होते हैं कॉमनली मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक रुपये दो रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती सो so, अगर एग्जांपल सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर होगा नट्स एंड बोल्स नट्स एंड बोल्स आर डाइम अ डजन मतलब nuts balls, पता ही होंगे ये कैसे होते हैं है ना घर पे कहीं पे भी एक वो जो कील होती कहीं पे भी ऐसा पड़ा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है सो नट्स एंड बोल्स कैसे होते हैं डाइम अ डजन आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखते हैं अ ब्लास्ट एंड आई होप इसका आंसर सभी को मिल जाएगा डिस्ट टू ब्लास्ट अ बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट करना बिल्कुल नहीं टू एंजॉय बिल्कुल सही होगा टू ट्राइ टू टॉरी ऑन अ टास्क टू बिक फॉर वन सेल्फ नहीं वर्कआउट और लेबर लेट नाइट नहीं बिल्कुल नहीं यहां पर देखा कि ये जो बच्ची है ये बच्चे क्या कर रही है एंजॉय कर रही है अकेले ही है ना शी इज है यहाँ पर दिख रही है जो ये जो छोटी सी बच्ची है कितनी ज्यादा खुश दिख रही है कितना वो एंजॉय कर रही है यहाँ पर सो so, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है टू एंजॉय वन सेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम हैव अ फन सो यहाँ पर इसका अगर सेंटेंस देखे सो आई हैड अ ब्लास्ट एट डिज्नी वर्ल्ड ड्यूरिंग वेकेशन कि वेकेशन जब था है ना वेकेशन में आई हैड अ ब्लास्ट एट डिज्नी वर्ल्ड तो डिज्नी वर्ल्ड में मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था ना बहुत ज्यादा फन बहुत ज्यादा मजे किए थे सो so, यहाँ पर ये यह सेंटेंस बन जाएगा आई हैड अ ब्लास्ट एट डिज्नी वर्ल्ड ड्यूरिंग वेकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नकल सैंडविच तो यहाँ पर भी देखो आई होप इस ये जो इमेज है इस इमेज से आप Uh, मतलब क्लियर हो जाएगा कि इस इडियम का क्या मीनिंग होगा नकल सैंडविच नकल सैंडविच तो देखिए अ चेयरफुल पर्सन बिल्कुल नहीं ये पर्सन बिल्कुल भी चेयरफुल नहीं दिख रहा है ये इंसान कैसा दिख रहा है बहुत ज्यादा गुस्से में एंड हमें ये पंच दिखा रहा है नकल दिखा रहा है अपना ये नकल इसे नकल कहते हैं अ डिश विच इज टेस्टलेस बिल्कुल नहीं अ डेलिशियस सैंडविच नहीं अ इन दी माउथ तो बिल्कुल ये आंसर हो सकता है एंड नन ऑफ दिस भी नहीं सो so, नकल सैंडविच होता है अ पंच इन दी माउथ की मुंह पर एक पंच मारना इसे हम कहते हैं नकल सैंडविच ओके फॉर एग्जांपल इफ यू कीप मॉकिंग इफ यू कीप मॉकिंग मी यू आर गोइंग टू गेट यू आर गोइंग टू गेट अ नकल सैंडविच यू आर गोइंग टू गेट अ नकल सैंडविच इफ यू कीप मॉकिंग मी यू आर गोइंग टू गेट अ नकल सैंडविच है ना जैसे मम्मी बोलती है कि मेरी अगर नकल करोगे तो शकल पे ऐसा नकल मिलेगा ऐसा पंच मिलेगा कि क्या हो जाएगा शकल ही बिगड़ जाएगी आई होप इट इज क्लियर कि नकल मतलब ये होता है ये जो हम ऐसा जो करते हैं ना हैंड्स को फोल्ड करके तो इसे नकल कहते हैं एंड सैंडविच मतलब कि ये जो नकल अगर शकल पे पड़ा तो तुम्हारी जो शकल है वो कैसी हो जाएगी सैंडविच जैसी हो जाएगी इसीलिए इसे हम कहते हैं मतलब इस तरीके से हमें इसे याद रख सकते हैं कि नकल सैंडविच कि नकल अगर शकल पे नकल पड़ेगा तो हमारी जो शकल होगी वो कैसी बन जाएगी सैंडविच की तरह तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अपंस इन द माउथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस फॉर्म में है सो so, देखिए यहाँ पर ये जो मिस द बोट है ये एक एडीएम है आपको बताना है कि इस एडीएम का क्या सही मीनिंग हो सकता है सो इफ वी डोंट ऑफर अ गुड प्राइस फॉर द हाउस नाउ वी विल प्रोबेबली मिस दी बोट सो लेट्स डिस्कस इफ यू डोंट ऑफर अ गुड प्राइज अगर हम खुद गुड प्राइज अच्छी प्राइज ऑफर नहीं करेंगे उस हाउस के लिए वी विल प्रोबेबली मिस दोट एंड यहां पर ये यह जो मिस द बोट इसका मीनिंग होता है फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कि किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना या फेल हो जाना किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में उसे हम कहते हैं मिस दोट कि अगर हम इस घर के लिए अच्छी प्राइस ऑफर नहीं करेंगे तो शायद हम इस घर को मतलब ये घर जो होगा ये कोई और ख़रीद लेगा और ये जो एडवांटेज है हम ये एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे कि ये जो घर है ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छी प्लेस पे है बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हमें इसे जल्दी से ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि हमने अगर लेट किया अगर हमने लेट एक्ट किया मतलब देरी कर दी उस घर को खरीदने में तो वी फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ परचेसिंग या बाइंग तो हाउस तो नहीं होगा acted late हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन चेक करते हैं तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एक्टेड लेट मतलब लेट टाइट करना मतलब कि किसी अपॉर्चुनिटी uh, का फायदा uh, उठाने में सक्षम ना होना आई होप क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं I expect you to do the job well, but don't try to boil the ocean. So यहाँ पर जो idiom है वो है boil the ocean. So देखिए इसका सही answer क्या हो सकता है सो लेट्स चेक आई एक्सपेक्ट यू टू टू डू दी जॉब वेल बट डोंट ट्राई टू बॉयल दी ओशन सो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इंक्रीज कॉम्पिटिशन नहीं कंप्लीट एसेंशियल्स भी बिल्कुल नहीं वेस्ट टाइम यस बिल्कुल सही है अनएक्सपेक्टेडली लकी भी नहीं एंड नन ऑफ दी अबाउ नहीं सो बॉयल द ओशन मतलब होता है वेस्ट टाइम ऐसी चीज़ों में ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कैसे होते हैं नॉट वर्थ डूंग मतलब जो इतनी वर्थ के नहीं है इतनी वैल्यू नहीं है कि उन पर बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए तो so उसे हम कहते हैं बॉइल द ओशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई मेड नो बुन्स अबाउट इट एंड डायरेक्टली टोल्ड हिम हिज ऑफर वॉज अनएक्सेप्टेबल so let's check i made no bones about it and directly told him his offer was unacceptable so iska check karte hain be rude nahi rudely बात करना या rudely behave करना बिल्कुल नहीं warm behavior ये भी नहीं होगा be blunt yes बिल्कुल सही आंसर है be blunt have a strong opinion and none of the above b नहीं so ये जो word है blunt इस blunt word का मतलब होता है straight forward straight forward या हम कह सकते हैं जो फ्रैंक frank, जो frankly कोई भी चीज को बोल देता है उसे हम कहते हैं तो यहाँ पर ये जो, वर, ये जो जो है मेड नो बोन्स अबाउट इट इसका मीनिंग होता है कि आ, कोई चीज को क्लियरली बोल देना बिना हेजिटेशन के बिना हिचकिचावट के, के सीधे फ्रैंक या ओपनली कुछ बोल देना फ्रेंकली किसी चीज को बोल देना ये होता है मेड नो बोन्स अबाउट एट सो यहां पर सही हो जाएगा बी ब्लैंड क्योंकि तो ब्लेंट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रेंक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई डोंट नो हाउ ही पुट्स अप विथ देयर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग सो लेट्स चेक आई डोंट नो हाउ ही पुट्स अप विद देयर कॉन्स्टेंट कि वो जो है वो लोग कॉन्सटेंट कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन वो फिर भी पुट्स अप विथ करता है उनकी कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग से मतलब कि टॉलरेट बिल्कुल सही होगा फिनिश एडजस्ट प्लान भी नहीं एंड नन ऑफ द अबाउ भी नहीं क्योंकि पुट्स अप विथ मतलब होता है टॉलरेट करना मतलब कि बेयर करना हिंदी में अगर कहेंगे तो सहना या सहन करना कि नहीं मुझे नहीं पता कि वो कैसे सहन करता है उनकी कॉन्स्टेंट जो कंप्लेन रहती है उसे तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा टॉलरेट करना किसी के खराब बिहेवियर को या किसी भी कोई खराब चीजों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

उसे हम कहते हैं आयरन आउट छोटे छोटे इश्यूज हो गए छोटे छोटे जो ट्रबल होते हैं उन्हें सॉल्व करना उसे हम कहते हैं आयरन आउट क्योंकि यहाँ की लिखा गया है वी जस्ट नीड टू आयरन आउट अ फ्यू थिंग्स कि कुछ चीजों को हमें सॉल्व करना होगा रिजोल्व करना होगा ओके okay? छोटे छोटे जो भी इश्यूज है उनको तो यहाँ पर होता है टैकल माइनर मतलब कि छोटे स्मॉल इश्यूज नेक्स्ट देखते हैं

सो लेट्स चेक इफ यू टू बिकम अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट यू हैव टू की जो मीनिंग होता है ये होता है कम्प्लेन करना या क्रिटिसाइज करना किसी को तो so ये तो बिल्कुल नहीं होगा हार्डवर्क करना नहीं परसिवियर यस परसीवियर का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यूस करना कंटिन्यू करना या हम इसे कह सकते हैं कैरी ऑन या फिर हम इसे कह सकते हैं परसिस्ट सॉरी परसिस्ट ओके मतलब किसी चीज को एक्वायर करने के लिए पाने के लिए कंटिन्यू मेहनत करना इसे हम कहते हैं कीप एट इट स्मार्ट वर्क भी नहीं होगा सो सही आंसर हो जाएगा परसिवियर कि अगर आपको ये कॉमिक आर्टिस्ट बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यू उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा तो मतलब किसी चीज को अचीव करने के लिए हम कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं उसे हम कहते हैं कीप एट इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्स पुट आर हेड्स टुगेदर एंड कम अप अ अपल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम सो देखते हैं क्या होगा डिस्क लेट्स पुट आर हेड टूगेदर हेट्स टूगेदर एंड कम अपल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम आप समझ ही गए होंगे कन्फ कन्फ का मतलब होता है कंसल्ट करना डिबेट तो बिल्कुल नहीं होगा आर्ग्यू भी नहीं ए एंड सी तो बिल्कुल ही नहीं नी अबाउ नहीं तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कन्फुर मतलब की कंसल्ट करना किसी चीज को हम मिलकर कंसल्ट करते हैं किसी चीज को हम मिलकर डिस्कस करते हैं एंड टुगेदर साथ में मिलकर हम काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं पुट आर हेड्स टुगेदर ओके वर्क टुगेदर एंड कंसल्ट एंड डिस्कस ऑल टुगेदर इज एज पुट आर हेड्स टूगेदर तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए आर ब्रदर एंड सिस्टर रियली पुट देम आउट टू मेक योर पार्टिसिपेशन सो इट वुड बी नाइस इफ यू शो अ लिटिल एप्रिसिएशन तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है 嗯，那。Mm? Mm. सो लेट्स डिस्कस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर रियली पुट डेमसेल्स आउट इस सेंटेंस से आपको क्लियरली समझ में ही आ रहा होगा कि इसका sentence, इसका सही मीनिंग क्या होगा पुट डेमसेल्स आउट ईडीएम का टू मेक अस पार्टी स्पेशल सो इट वुड बी नाइस इफ यू शोड अ लिटिल एप्रिसिएशन सो यहाँ पर अरेन्ज बिल्कुल नहीं होगा कंसिडरेबल एफर्ट येस किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना बहुत ज्यादा मेहनत करना इसे हम कहते हैं पुट डेमसेल्स आउट ट्रबल पास नहीं शैबी ट्रीटमेंट भी नहीं, एंड वन ऑफ़ अबाउ भी नहीं तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा कंसिडरेबल एफर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइस, द लाइब्रेरी डिस्पेंसर विथ इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आर्स ड्यूरिंग एग्जाम वीक, सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है डिस्क दाइब्रेरी डिस्पेंसिस विद इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग दी एग्जाम वीक एंड यहां पर जो हो जाएगा सही आंसर रेड्यूस नहीं स्टॉप नहीं यस स्टॉप बिल्कुल होगा इंक्रीज नहीं एंगेज भी नहीं एंड नही अब इस डिस्पेंसिस विद का जो क्लियर जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है मैनेज विदउट और गेट रीड ऑफ मतलब किसी चीज से छुटकारा या किसी चीज के बिना मैनेज uh, करना तो यहाँ पर बोल रहा है लाइब्रेरी विद इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग दी एग्जाम वीक एग्जाम वीक में क्या हो जाता है वो uh, उसका जो काम है वो क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं मतलब लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है मतलब की कि किसी चीज के बिना मैनेज करना मतलब की रुक जाना स्टॉप कर देना तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर मंथ्स ऑफ राइटर्स ब्लॉक आई एम स्टिल सरप्राइज दैट आई जस्ट रील्ड ऑफ थ्री शॉर्ट स्टोरीज इन अ वीक तो देखिए यहाँ पर ये रील्ड ऑफ का मीनिंग क्या हो सकता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ राइटर्स ब्लॉग के बाद आई एम स्टिल सरप्राइज दैट आई जस्ट रीड ऑफ थ्री शॉर्ट स्टोरीज इन अ वीक कि मैंने वीक में तीन तीन स्टोरीज रीड ऑफ कर दी मतलब किसी चीज़ को बहुत इजीली कर पाना इसे हम कहते हैं रील्ड ऑफ बहुत सारी सेवरल चीज़ों को क्विकली uh, एंड uh, बहुत ज़्यादा कम मेहनत से विथ इसे हम कह सकते हैं डन इजिली और विथ लिटल एफर्ट कि बहुत कम मेहनत के हम आ, किसी चीज़ को करते हैं उसे हम कहते हैं रील्ड ऑफ तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा गेट समथिंग डन इजीली गेट थिंग्स डन एट फॉर हार्ड वर्क नहीं बिल्कुल नहीं ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा रियलाइज समथिंग बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबाउ भी नहीं तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रील्ड ऑफ मतलब गेट समथिंग डन वेरी इजिली एंड क्विकली So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos.